हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, माय वीडियोस को देखकर एंजॉय कर रहे होंगे एंड साथ साथ बहुत अच्छे तरीके से लर्न कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं पॉल्यूशन के बारे में। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे आज कल एंड आज साथ ही साथ आपके आसपास की जगह पर भी आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन आपको देखने को मिल रहा है, जिसमें जिसके वजह से क्या हो रहा है, आपको जो है जैसे अस्थमा जैसे बीमारी है ना, और भी बहुत सारी बीमारियाँ हैं जो कि आपके आसपास आपको देखने को मिल रही होगी। जैसे कोरोना वायरस, भाई ये सब जो है वो इन्हीं बीमारी का परिणाम है, क्योंकि भाई क्या हो रहा है, लगातार पॉल्यूशन होता चला जा रहा है एंड हम लोग क्या कर रहे हैं कि लगातार पेड़ों काट रहे हैं। इस कारण से ये जो है वो क्या हो रहा है कि बीमारियां लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। जैसे आप देखोगे कि क्या था कि पुराने टाइम पे जो लोग हैं वो जितना अधिक पास रहते थे पेड़ पौधों के, या कह सकते हैं भाई कि नेचर से जितने अधिक पास रहते थे उतने ही कम जो है वो इस प्रकार की बीमारियां आपको देखने को मिलेंगी, कम होती थी। पर जैसे जैसे मनुष्य सभ्यता को अपने आप को सिविलाइज कर रहा है, मतलब डिजिटलीकरण में जा रहा है, तो आप देखोगे भाई डिजिटलीकरण तो हो रहा है, मतलब कि वो अपने आप को जो है वो बेहतर तो बना रहा है और चीज़ों के लिए, बट वो क्या कर रहा है कि धीरे धीरे वातावरण से दूर होता चला जा रहा है। जैसे आप देखोगे भाई कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से लोग क्या कर रहे हैं कि भाई जगह जगह पर पेड़ों को काट रहे हैं, उनकी जगह पर नए घर बना रहे हैं और फैक्ट्रीज लगा रहे हैं भाई, और सारी चीज़ें कर रहे हैं, बट क्या कर रहे हैं भाई, पेड़ को तो काट दे रहे हैं ना, जिस कारण से ऑक्सीजन लेवल तो भाई धीरे धीरे कम हो रहा है ना। इस कारण से आप देखोगे कि लोगों को जो है वो सांस लेने में दिक्कत हो रही है, और भी जो है वो कारण आपको देखने को मिलेंगे, लोगों को तरह तरह की बीमारियाँ भी हो रही हैं, है ना। तो ये सब इसी का परिणाम है कि जो हम जो है आजकल जो है इन सबका जो है पेड़ों का काट रहे हैं और प्रकृति के साथ वो व्यवहार नहीं कर रहे हैं जो कि करना चाहिए। अर्थात प्रकृति के साथ हमें सामंजस्य बना के रहना पड़ेगा, क्योंकि जो है प्रकृति क्या है, सर्वोपरि है इस समय पर भी, क्योंकि हम लोग ने भाई इस समय ये तो पक्का है कि हम लोगों ने जो प्रकृति को बहुत अधिक तरीके से जान लिया है, प्रकृति के बारे में बहुत ज़्यादा जानते हैं, या उसको अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं, थोड़ा बहुत कह सकते हैं। हम लोग 100% प्रकृति को कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे आप देखोगे भाई पुराने टाइम पे क्या था कि हम लोग वर्षा नहीं कर सकते थे, मतलब कि आज आप देखोगे कि हम लोग कृत्रिम वर्षा करते हैं। अब कैसे करते हैं वो भी आपको शायद पता होगा, अगर नहीं पता तो आपको मैं बता देता हूँ कि क्या करते हैं ना, कि हम लोग जो है वो एरोप्लेन के जरिए जाते हैं थोड़ा बादल के ऊपर, और बादल के ऊपर जाने के बाद नीचे जो है वो शुष्क बर्फ जिसे हम लोग कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, उसका जो होता है क्रिस्टली फॉर्म जो कि शायद 198 डिग्री सेल्सियस पर होता है ना, तो उसको क्या करते हैं कि उसको गिरा देते हैं बर्फ पर, तो बर्फ़ जो होती है वो ठंडी हो जाती है, जिसके कारण से क्या होता है कि वो पानी के रूप में नीचे पे गिरती है। अर्थात जो है वो हम लोग कृत्रिम वर्षा जिसे हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल रेन कहते हैं। बट क्या था कि पहले टाइम पे हम लोग इसी का यूज़, अर्थात कि वर्षा कराने के लिए क्या करते थे कि जरा हवन का प्रयोग करते थे। आप हवन जानते हो क्यों करते थे? अगर आपको नहीं पता तो भाई बहुत ही शर्म की बात है, या कह सकते हैं भाई शर्म की बात नहीं, तो आपको कम से कम जानने का प्रयास तो करना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों करते थे। आप देखोगे भाई कि पहले टाइम पर जो है जब बरसात नहीं होती थी तो बहुत सारे लोग हवन कुंड में, कह सकते हैं भाई ऋषि मुनि, आप देखोगे आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे ऐसे नाटक हैं पुराने, उसमें आप देखोगे कि ऋषि मुनि जो है वो एक साथ इकट्ठा हो जाते थे और हवन करते थे। क्यों, क्या होता है ना कि जब हवन करते हो तो हवन के आसपास की जो वायु होती है वो गर्म हो जाती है, क्योंकि आप देखो भाई आग जलाओगे तो वायु तो वहाँ की होगी होगी, क्योंकि आप जानते हो वायु हर जगह है ना, जो आपकी एयर है वो ऑलवेज देयर है ना। तो जब वो वायु गर्म होती है तो गर्म होने के बाद वो क्या होती है, जब कोई चीज़ हल्की होती है तो वो ऊपर की ओर उठती है ना। जैसे एग्जांपल तो मैं अगर आपको समझाऊँ सबसे सिंपल एग्जांपल, तो जैसे मान लीजिए कि आप जो है एक गर्म तावे बैठ जाइए, है ना, वैसे बैठना नहीं भाई, बहुत बेकार हो जाएगा, कुछ जल जाएगा। तो आप मान लीजिए गर्म तावे में बैठेंगे तो क्या होगा कि आप तुरंत, जैसे मान लीजिए आप गर्म तवे बैठे तो आप क्या होगा, तुरंत उछलोगे एंड ऊपर की ओर जाओगे, है ना। ठीक इसी प्रकार से हवा भी होती है, जब कोई चीज़ गर्म हो जाती है तो वो ऊपर की ओर उठती है। आपको अगर मैं एक और एग्जांपल दूं तो वो आप देखते हो भाई रोज़, अगर आपने कभी दूध गर्म किया तो आपको पता होगा कि जैसे अब दूध गर्म होगा तो खोलने की जब कंडीशन आती है बॉइलिंग की, तो क्या होता है वो ऊपर की ओर उठने लगता है ना। चाय आपने देखी होगी, चाय बनाया होगा तो जब बॉयल होती है तो वो ऊपर की ओर उठती है, क्यों, क्योंकि भाई उस समय वो गर्म हो जाती है और गर्म की कंडीशन में कोई भी चीज़ क्या होती है, ऊपर की ओर उठती है, है ना, चाहे इंसान का पारा हो चाहे ये चीज़ें हो। तो इसी प्रकार से वायु भी जो वो गर्म होती थी तो ऊपर उठती थी, और ऊपर जाके जो है वो वातावरण के ऊपर जाती थी तो ऊपर जो आपका टेम्परेचर है वो क्या होता है, लो होता है, जिस कारण से जब वो लो हो जाती थी तो वही जो है वर्षा वायु के रूप में, सर कह सकते हैं कि पानी के रूप में कन्वर्ट होकर आपको जो है वर्षा कराती थी। तो आजकल लोग इसका यूज़ ना करके कृत्रिम वर्षा करा रहे हैं, तो ऐसा कारण इस वजह से हो रहा है कि जो है आप पॉल्यूशन बहुत अधिक मात्रा में कर रहे हैं, पेड़ पौधों की कमी बहुत अधिक हो गई है,
तो भाई पहले क्या होता था कि पेड़ पौधे जो होते हैं वो वातावरण को कह सकते हैं घसीटने में या कह सकते हैं उसको बुलाने में बहुत अधिक सहायक होते हैं, है ना। आप देखोगे कि भाई जहाँ पर पानी की मात्रा ज़्यादा है, पेड़ पौधे ज़्यादा हैं, वहाँ पे आप देखोगे कि वर्षा भी अच्छी खासी होती है, कह सकते हैं अच्छे प्रकार से होती है। अगर एग्जाम्पल दूँ मैं आपको, तो आप देखोगे कि जो है अपन नागालैंड मणिपुर के साइड गारो खासी जयंतिया ऐसी जो पहाड़ियाँ आपको देखने को मिलेगी, नागा ट्राइब्स वहाँ पर जो निवास करती हैं, आप देखो वहाँ बहुत अधिक वर्षा होती है। क्यों? क्योंकि भाई वो सब जो है पूरा जो है वो एनवायरनमेंट कैसा हुआ है, एकदम कह सकते हैं भाई कि वातावरण से घिरा हुआ है ना। वो लोग जो है एकदम प्रकृति के साथ रहते हैं। पर वहीं पे आप देखो दिल्ली जैसे क्षेत्र जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, पेड़ पौधे भाई तो कमी पड़ गई ऐसे लग रहा है ना। तो लगातार दिन भर भाई इतनी गाड़ियाँ जितनी की और जगह नहीं है ना। आई थिंक वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो गाड़ियाँ हैं सिटीज़ में वो शायद दिल्ली में है। आई थिंक सही है ये, आप देख लीजिएगा कि आखिर कहाँ है, हो सकता है कोई और भी हो भाई, मैं गलत हूँ, बट आप देख लीजिएगा कि जैसे आप देखोगे बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ जिस कारण से पेड़ पौधे तो है नहीं उतने, आप देखो कि वहाँ पर जो है पॉल्यूशन बहुत अधिक ज़्यादा है, वहाँ पे आपको बीमार बहुत ज़्यादा मिलेंगी। तो ये सब कंडीशन से आपको देखने को मिलेंगी। और आपको क्या करना है भाई कि अगर आप चाहो, अगर आप चाहते हो कि भाई आपका जो फ्यूचर हो वो थोड़ा सा अच्छा हो, आपको इन सारी बीमारियों से ना कह सकते हैं भाई जूझना पड़े, तो आप क्या कर सकते हैं भाई कि आप चाहें तो पेड़ पौधे से लगा ही सकते हैं। पर अगर आप पेड़ पौधे लगा नहीं सकते तो कृपया करके उसे काटिए भी मत, है ना। जो आज आप अपने घर बनाने के लिए या अपने कोई चीज़ें बनाने के लिए या किसी चीज़ को इस्टेब्लिश करने के लिए आप पेड़ पौधे काट तो देते हैं, पर काटने के स्थान पर क्या करिए, आप उसको जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर तो लगा दीजिए। पर अगर कोई बड़ा पेड़ पौधा है तो आप क्या करिए कि भाई अगर हो सके तो उसको बचाने का प्रयास करें। पर अगर मान लीजिए किसी वजह से आपको काटना पड़ रहा है तो आप क्या करिए उसके बदले में कुछ पेड़ अलग से लगाइए, है ना। क्योंकि आपका कर्तव्य है, ये आपका नैतिक कर्तव्य भाई, इसमें ये नहीं कि आप नहीं लगाएंगे कोई और लगाएगा, ये उसकी जिम्मेदारी, इसमें किसी की जिम्मेदारी नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि आपको अपना फ्यूचर अच्छा करना है ना। और किसी को अपना फ्यूचर, जिसको अपना फ्यूचर अच्छा करना है वो अपने लिए पेड़ लगाएगा, जिसको नहीं करना है वो भाड़ में जाए, उससे कोई लेना देना नहीं है। वैसे भी जो है आप देखोगे कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है लगातार डाउन होती चली जा रही है। अभी तक क्या था कि 2011 की जो सेंसस था उसके अकॉर्डिंग जो ओवरऑल वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन थी वो ऑलमोस्ट 777 करोड़ थी आई थिंक, है ना। ऑलमोस्ट कह सकते हो भाई कि 8 अरब से थोड़ी सी कम थी ना। ऐसा लग रहा था कि भाई 8 अरब से प्लस हो जाएगी, बट क्या हुआ कि 2024 से समय चल रहा है, आप देखोगे कि 8 अरब छूने वाली थी कि उससे पहले डाउन हो गई है। क्यों हो गई? क्योंकि भाई पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो गई है कि लोग अब जो है वो मरने के कगार पे आ चुके हैं, एंड बहुत ज़्यादा लोग जो है वो बीमारियों से जूझ रहे हैं, क्योंकि उनके आस पास की जो चीज़ें हैं वो उतनी अच्छी नहीं है, है ना। तो ये कारण भी आपको देखने को मिल रहा है। ये सब जो है वो पॉपुलेशन का ही जो है वो प्रभाव आपको देखने को मिल रहा है। और हो सकता है भाई कि जो आपका जो फ्यूचर है उसमें जो है वो कोरोना जैसे और भी वायरस आपको देखने को मिले। तो क्योंकि कोरोना तो भाई जो था एक छोटा सा वायरस था, हो सकता है आगे और भी ज़्यादा इससे बड़े से बड़े वायरस हों। तो क्या करना है कि भाई फ्यूचर को ध्यान में रख के जो है वो इन सारी चीज़ों पे गौर फरमाना है ना। और जितना से कम हो से ना जितना हो सके कम से कम आपको पॉलिथीन का एंड ऐसी चीज़ों का यूज़ कम से कम करना है जो कि कह सकते हैं कि रिसाइकल नहीं हो सकती, या जिनका यूज़ करना हानिकारक हो सकता है तो उनका यूज़ आपको कम से कम करना है। आप चाहें तो भाई झोले का यूज़ कर सकते हैं, आप सब्जी वब्जी लाते हैं, कोई भी चीज़ करते हैं, तो है ना। तो जितना हो सके आप जो है वो पृथ्वी को सेव करने का तरीका ढूंढें, फिर चाहे आपको जो है वो पेड़ बचाना पड़े या आपको कोई चीज़ ऐसी करनी पड़े जिससे आप जो है वो किसी और तरीके से पेड़ को बचाएं, तो आप अच्छे से ट्राई करिए। एंड साथ साथ मैं आपको जो है धीरे धीरे गाइड करता रहूँगा, और आपको भी अगर कोई सजेशन देना हो तो प्लीज़ मुझे जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।